20वें श्लोक तक पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथवाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमीक्षां वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजे सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलम्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसर्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहव्रता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिश्रं मिश्रं च त्रिविधकर्मणफलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभेर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धि यस्य न हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति नानि बध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधासं सङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं
bhavam avyayam ikshate avibhaktam vibhakteshu jnanam vindhi sati. यहाँ से दो रहे पृथक त्वेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुनाकर्म यत्सत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुनाकर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्तामसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसां अनवेक्ष च पौरुषं मोहादारव्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्तामसमुच्यते इक्कीसवें श्लोक का भाष्य देखिए। इक्कीसवां श्लोक पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रति शरीरं अन्यत्वेन यज्ञानं नानाभावान् भिन्नान् आत्मनः पृथक् विदान् पृथक् प्रकारान् भिन्न लक्षणान् इत्यर्थः। वेत्ति विजानाति यज्ञानं सर्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य कर्तृत्वसंभवात् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः यज्ञानं विद्धिराजसं रजोः निर्वृत्तम्। यत्तु ज्ञानं कृष्णवत् समस्तवत् सर्वविषयम् इव एकस्मिन् कार्ये देहे बहिः वा प्रतिमा आदौ सत्तम् एतावान् एव आत्मनः आत्मा ईश्वरः वा न अतः परम् अस्ति इति हि नग्नक्षपणदीनानां शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीवः ईश्वरः वा पाषाणादि दारुवादिमर्त इति एवम् एकस्मिन् कार्ये सत्तम् अहैतुकं हेतुवर्जितं निर्युक्तितम् अतत्त्वार्थवत् यथाभूतः अर्थः तत्त्वार्थः स अस्य ज्ञेयभूतः अस्ति इति तत्त्वार्थवत् न तत्त्वार्थवत् अतत्त्वार्थवत् अहेतुकत्वाद् एव अल्पं च अल्पविषयत्वाद् अल्पफलत्वाद् वा तत्तामसम् उदाहरतम्। तामसानां हि प्राणिनाम् अविवेकिनाम् ईदृशं ज्ञानं दृश्यते अतः कर्मणः त्रैविध्य उच्यते। तीन प्रकार के ज्ञानों की चर्चा चल रही थी। इसमें भगवान ने जो सबसे पहले सात्विक
ज्ञान का जो लक्षण कहा वो हम और आप विशेष देख चुके। विभक्त हुए भूतों में अविभक्त चीज को देखना, कल इस पर आपकी विशेष चर्चा हुई कि वह एक ऐसा कारण तत्व, और अगर चित्त में आप ले आए पहले से, जो कारण होता है वही कार्य के रूप में प्रकट होता है। थोड़ा इको कम करना, मतलब इस बात की मीमांसा जो चालू की गई थी वो यहां से थी कि जो भी कारण होता है वह कार्य के रूप में ही प्रकट होता है। तो बोले फिर उस कारण और कार्य में अंतर क्या रह गया? जब वह कारण ही है तो फिर उसको कार्य की संज्ञा क्यों दी गई? उसको कारण ही क्यों नहीं कहते? तो अब उसमें दो चीजें और जुड़ गई, एक उसका आकार जुड़ गया और एक उसका नाम जुड़ गया, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? कार्य। वरना वो है क्या? वो कारण ही है। जो लहर है वह जल ही है, लेकिन जल से दो चीजें अलग जुड़ गई, एक नाम रूप गया और एक रूप जुड़ गया, इसलिए उसको क्या संज्ञा दे दी गई? लहर। यहां बोलते हैं विभक्त हुए भूतों में, देखिए स्पष्ट है जो पंच महाभूत हैं वह विभक्त ही हैं, यही जानना। थोड़ा और कम कम कर, भूत विभक्त है ये जानना। देखो जी, जो जगत है वह विभक्त है, पहले तो ये जानना। लेकिन जगत विभक्त होते हुए भी उनमें कोई एक चीज है जो सभी में गई हुई है, और इसलिए मैंने कल आपको सरल सरल बातों में कहा जो चीजें दो लोगों को जोड़ दें वह सात्विक ज्ञान है, जो दो लोगों को तोड़ दे उसको बोलते हैं ये तामसिक ज्ञान है। विभक्त होती हुई चीजों में दो लोगों को कौन सी चीज जोड़ रही है? सोच के देखो आप। दो प्रकार के मनुष्य हैं, तो मनुष्य तो दो ही हैं, लेकिन उन दो मनुष्यों को जोड़ने वाली चीज क्या है? तो वेदांत में आप कह सकते हैं उनके पीछे सत्ता, और जिसको समझ में नहीं आता वो ये कह सकता है कि मनुष्यता। मनुष्यता ही दोनों में क्या है? कॉमन है। शरीर की दृष्टि से रंग रूप संस्कार वासना की दृष्टि से दोनों कैसे हैं? अलग है। तो इस पर विशेष चर्चा हो चुकी मेरे ख्याल से, इस पर कोई प्रश्न तो नहीं रह गए इस वेदांत पर जो चिंतन हुआ था, ये समाप्त होता है ना। तो ऐसा ज्ञान जो पृथकत्व में भी एकत्व को दिखा दे, ऐसा ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान है वह सात्विक ज्ञान की श्रेणी में आता है। इस पर चर्चा हो चुकी इसलिए अब विशेष अब इस पर नहीं बोलते। कल दूसरी एक बात आई थी, नाना पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान्। और कम कर, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान् पृथक विधान। पृथक ज्ञान को राजसिक ज्ञान नहीं कहते हैं, इस बात को गांठ में बांध लीजिए। पृथक ज्ञान को ही यथार्थ अनुभव की संज्ञा दी गई। पृथक ज्ञान मतलब क्या हुआ? पृथक ज्ञान मतलब
मतलब ये घड़ी है, यह पुस्तक है, यह मनुष्य है, यह नारी है, यह शिवलिंग है, यह जो ज्ञान हुआ ये कैसा ज्ञान हुआ? पृथक। इस पे चर्चा छिड़ी थी, क्या पृथक ज्ञान ज्ञान का लक्षण है? क्या पृथक ज्ञान ज्ञान का लक्षण है? प्रमा से ही वह ज्ञान हो रहा है, जो नमक का ज्ञान हुआ वह रसनेन्द्रिय से हुआ, मनुष्य का ज्ञान हुआ वह नेत्र, तो प्रमा से ही। तो मतलब मैं यहां कहना चाह रहा था कल, पृथकत्व का ज्ञान भी प्रमा से ही होता है, और प्रमा मतलब प्रमाणों के जरिए से ही होता है, इसमें कोई दो रह जाए जाती है प्रारंभिक बिंदु में, फंसते ही कुछ चीज। प्रमाणों के जरिए से जो पृथक पृथक ज्ञान है उसमें दोष क्या है? आखिर सोचिए जरा, देखिए ये कहना कि सभी में भगवान है ये सच नहीं है, इतना ऐसे व्यक्ति को ही ठेस पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति को ही ठेस पहुंचती है जो ये कहता है कि सभी में भगवान है। जब हम सभी को मिथ्या करार देते हैं तब ये बात कह सकते हैं कि सभी में भगवान है, और सभी में भगवान है अगर यह भावना लेके चले और आपको किसी ने ठेस पहुंचा दी तो आपका ज्ञान क्या हो गया? शून्य। मतलब देखो आप, मैं इसको कैसे व्यवहार में कहता हूं, साधु को साधु जानना और दुष्ट को दुष्ट जानना, एक ज्ञान ये हुआ, साधु को साधु जानना दुष्ट को दुष्ट जानना, और एक ज्ञान ये हुआ कि साधु भी भगवान है हाँ और दुष्ट भी भगवान है। कौन सा ज्ञान होगा जिसको सही कहा जाएगा? इतने भी विकल्प दो ही रखे गए भाई, यही ज्ञान तो ठीक हुआ ना। और यदि किसी ने दुष्ट को साधु जाना, अच्छा हम लोग अध्यात्म किसको समझते हैं? सब में भगवान है, देखो इसलिए चोट पहुंचती, ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं कि दुष्ट में भगवान है। आप यदि आपका स्तर इतना ऊंचा हो, जीवन मुक्त तो पुरुष हो जाए हम तो ठीक है। ये लक्षण तो किसके लिए बताए जा रहे हैं? साधक के लिए ही बताए जा रहे हैं। तो मैं यहां सिर्फ इस बात का निवेदन कर रहा था, पृथकत्व के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहा जाता है, इसको पहले अच्छे से बैठा ली। यथार्थ ज्ञान मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, इसको बोलते हैं यथार्थ ज्ञान। मैं ऐसा कहता हूं कि पुरुष को पुरुष जाना जाए और नारी को नारी जाना जाए, यही यथार्थ ज्ञान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुष में भी भगवान है नारी में भी भगवान है, ये ज्ञान हुआ तो ज्ञान नहीं हुआ, फिर तो आप चोट खाओगे। तो बोले संत लोग तो यही बोलते हैं कि सभी में भगवान है, यदि वह संत ऐसा बोलता है तो सभी को मिथ्या कहकर फिर कहता है कि सभी में, तो उसको कोई ठेस नहीं पहुंचती। बोले आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं जो चीज जैसी है उसको वैसा जानो। अच्छा, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानेंगे तो कितने ज्ञान हो जाएंगे फिर? अनेक। तो बोले अनेक ज्ञान ही ठीक है, इसलिए मैंने एक पंक्ति बोली, इस पे ध्यान देखिएगा, जो पृथकता का ज्ञान है वही यथार्थ अनुभव है,
इस अनुभव को आप मिटा नहीं सकते, इसमें दोष रह जाता है। नहीं, अभी मिथ्या की बात तो देखो की नहीं जा रही साधक के लिए। ये जो यथार्थ ज्ञान है ये प्रमाण से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई देखो, वेदांत के नाम पर आप किसी को चुप कभी नहीं करा सकते। मैंने आंख से शेर देखा, ठीक है, उसी आंख से हाथी भी देखा और कान से शब्द सुने, तो जो मैंने सुने क्या ये सब झूठ है? शेर देखा, हाथी देखा, शब्द सुने, नारी देखा, पुरुष देखा, ये क्या झूठ है? पहली बात तो ये, अगर कोई कहता है ये झूठ है तो ये गलत है, मेरा तो ये अनुभव नहीं है। दूसरा, इन तीनों में ही भगवान है? बोले मेरा ये अब ये भी अनुभव नहीं। तो बोले आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये है कि ये शेर है, ये हाथी है, ये दुष्ट है, ये संत है, ये शब्द है। इस ज्ञान को क्या बोलेंगे आप? पृथक ज्ञान। और पृथक ज्ञान को ही मैं कह रहा हूं यथार्थक ज्ञान। इसमें मेरे ख्याल से नहीं। अब प्रश्न है, यह जो पृथक ज्ञान है इसमें दोष क्या हो गया? इतनी जल्दी नहीं आया द्वाग दोष। इसको ना बहुत लगा के देखना, वरना सिर्फ बुद्धि का ज्ञान रह जाएगा फिर ये। जब मैंने सबको अलग अलग कर दिया, हो गया ना सब अलग अलग, ये संत हो गया, ये साधु महाराज हो गए, ये शेर हो गया, ये हिरण हो गई, ये नारी हो गई, ये पुरुष हो गया, ये सब अलग अलग। अच्छा ठीक, बढ़िया। उसके बाद अलग करने के बाद एक वृत्ति पैदा हो गई। अब क्या वृत्ति पैदा हो गई? ये अच्छा है और ये कब पैदा हुआ? अलग अलग करने के बाद। देखना, इस वृत्ति का जन्म ही तब हुआ जब मैंने लोगों को अलग 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 कर दिया। ये पुरुष हैं, ये नारी हैं, तो बोले ये हमको पसंद है और ये हमको ना पसंद है। अब ये वृत्ति बन जन्म ले ली। इसी वृत्ति को जब व्यक्ति थोड़ा जीवन जीता है, ये पसंद है और ये नापसंद है, तब धीरे से उसके मन में राग और द्वेष का क्या हो गया? जन्म हो गया। तो कहां से वृत्ति पैदा हो गई? पृथक ज्ञान। पृथक ज्ञान इटसेल्फ अपने आप में बुरा नहीं है, इस बात को सदैव याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन पृथक ज्ञान से अब एक नई वृत्ति का जन्म हुआ। वह वृत्ति यह कहती है कि यह चीज मुझे चाहिए और यह चीज मुझे नहीं चाहिए। जहर नहीं चाहिए, हाँ अमृत चाहिए। तीखा नहीं चाहिए, मीठा चाहिए। तो ये तीखा चाहिए और मीठा नहीं चाहिए, ये भेद कब उत्पन्न हुआ? जो पहले भेद उत्पन्न कर दिया। अब मैं बोलता हूं ये चीज चाहिए और ये चीज नहीं चाहिए। इस आधार पर जो व्यक्ति जीवन जीता है, अब उसमें एक नई बीमारी पैदा हो गई, उसको आप क्या बोलते हैं? राग और द्वेष। बस ये याद रखें ना, पैदा कब हुई? जब मैंने इन दोनों में से एक चूज कर लिया, ये चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बाधा क्या? अच्छा भाई, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, अब क्या दोष आ जाएगा? फिर व्यक्ति एकत्व को नहीं देख सकता। देखो, हमको तो उस सात्विक वाले पे जाना है ना, हमको तो नारी में भी वही देखना है, पुरुष में भी वही देखना है। अब आपने कहा इसको दूर कर दो और इसको तो पास बैठा लो,
तो अब आपने जिसको दूर कर दिया उसमें एकत्व का अनुभव तो कभी आपको हो ही नहीं सकता। जब एकत्व का अनुभव नहीं हुआ तो फिर ब्रह्म पर्यवसायी ज्ञान तो हुआ ही नहीं। फिर तो मूल बाधा कहां उत्पन्न हो गई, परिणाम क्या उत्पन्न हुआ, बाधा क्या उत्पन्न हो गई राजसिक ज्ञान में? एकत्व तक जाने में बाधा उत्पन्न कर दी। मतलब मैं तो ऐसा समझता हूं द्वैत भी था तो बुरा नहीं था, लेकिन द्वैत ने राग और द्वेष को जन्म दे दिया और राग और द्वेष जन्म होने के बाद अब मैंने जीवन में ये चीजें रख ली और इन चीजों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब मैं दूर की हुई चीजों में उस ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाता हूं। इसलिए कहा गया वेदांत में किसी भी चीज से द्वेष मत कीजिए, बना किसी भी चीज से द्वेष मत कीजिए। जब द्वेष मत कीजिए फिर किसी भी चीज से हाँ राग भी मत कीजिए। कल मैं कह रहा था ना काहू से दोस्ती, ना मेरा कोई मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है। यह वृत्ति जीवन में रहेगी तो शांति रहेगी। अगर किसी को आपने मित्र बनाया तो एक मित्र बना तो दूसरा क्या बन गया, फिर हो गया शत्रु। और इसको शत्रु बनाया तो फिर वो क्या बन गया, वो मित्र बन गया। ये श्लोक मेरे ख्याल से अब राजसिक ज्ञान खुला होगा। राजसिक ज्ञान में जो बाधा है वो बाधा क्या है कि हमको एकत्व की ओर जाने से बुद्धि हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती। क्यों रुक गई, बोले उसमें राग है। अच्छा राग क्यों हो गया भाई, क्योंकि सुखानुषयी राग, उसमें मुझे सुख मिलता है और उसमें मुझे दुख मिलता है, दुखानुषयी द्वेष। बोले इस सुख दुख को किसने उत्पन्न कर दिया, बोले पृथकत्व के ज्ञान ने। चीनी ने सुख दिया, मिर्ची ने दुख दिया, इसलिए चीनी चाहिए और मिर्ची। इसका मतलब मिर्ची में आप उस तत्व को देख नहीं सकते। देख लो बना कितनी अच्छी परंपरा भगवान ने चालू की। तो अब ये श्लोक आप मेरे ख्याल से खोल लीजिए अपने आप। यत पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम्, मिल गया, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान। एक वहां कितने भावान थे, एकम भावम, सात्विक में एकम भावम, यहां कितने भावम हो गए, नाना भावान। अच्छा नाना भावान अलग अलग, बोले पृथक विधान अलग 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 वस्तुएं। वेतुस वेति सर्वेषु भूतेषु, वो किसको जानता था, वो एक को जानता था। ये कितने जानते, सभी भूतों को जानते हैं। बोलते हैं ऐसे जानने वाले ज्ञान को राजसिक ज्ञान कहते हैं। इसमें रह गया द्वेष, इसमें रह गया कोई, जिसमें प्रश्न रह गया हो राजसिक ज्ञान में। अब आ जाइए तामसिक ज्ञान में। इसको पढ़ोगे इधर थर्ड से आप लोग, 22वां श्लोक पढ़िए, 22वां और 23वां। Thank you.
अच्छा एक चीज और देखो आप, साधुता यथार्थ ज्ञान से नहीं बनती। ले आप ये सब क्या बोल रहे हैं, साधुता यथार्थ ज्ञान से नहीं बनती। साधुता मतलब, साधुता मतलब एकत्व तो नहीं, आप बोलते ना ये इस अच्छा स्वभाव। साधुता यथार्थ ज्ञान से नहीं बनती, क्या कहना चाहते हैं? साधुता मान लीजिए हमने देखा कि ये दुष्ट है और ये कुटिल व्यक्ति। चलो आपको उदाहरण देते हैं, दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि को एक रंच भूमि देने से नकार दिया था, तो ये लोग जंगल में जाके रह रहे थे, याद आ गया आपको? वहां एक बड़ी अच्छी लीला ये आई कि इनको बाहर कर दिया, किसको? इन पांचों भाइयों को। ये लोग जंगल, वहीं पे जंगल में पिकनिक मनाने गया, कौन? दुर्योधन। इन्हीं के बगल टेंट बांधा और उसने खूब रंग रोहन रात भर में खूब नाच गाना जम के किया, ठीक है, इन्हीं के बगल में। और रात भर जब ये सब चलता रहा ना, तो बोलते हैं भीम और अर्जुन एकदम वो होते रहे कि देखो क्या बोलते हैं आप, छाती पे मूंग दलना, मतलब मेरे ही टेंट के बगल बजा रहे हैं, मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूं और ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मौज और मस्ती कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? मुझे नीचा दिखाने के लिए। तो क्या हुआ कि गंधर्व जो देवता थे ना, वो दुर्योधन को पकड़ के लेके चले गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, नियम का उल्लंघन किया। अब इसको बांध लिया ऊपर, किसने? गंधर्वों ने। और इसको कोई छुड़ा नहीं पा रहा था, किसको? अब दुर्योधन को छुड़ाया कैसे जाए? तो दुर्योधन को छुड़ाने के लिए युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को भेजा। क्या समझ के भेजा? क्या समझ कर भेजा था? दुष्ट तो था ही। क्या युधिष्ठिर को दुर्योधन की दुष्टता का ज्ञान नहीं था? दुष्टता की ज्ञान के बावजूद युधिष्ठिर ने क्या की, इसको क्या कहेंगे आप? यह है साधुता। हम भी उसी के जैसे आचरण करने लगे हैं, तो आपकी साधुता कहां गई? आप इसको कई बार ऐसा से बोलते हैं कि गाली का उत्तर प्रतिउत्तर गाली, तो जैसा वो था वैसा आप भी हो गए। तो एक ने अगर गलत कार्य किया, अच्छा आपको पता है कि ये दुष्ट है, लेकिन अगर आप भी दुष्ट के साथ दुष्टता ही करेंगे, थोड़ा ये भी चिंतन देख लीजिए, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करेंगे, तो जो अन्य व्यक्ति दुष्टता कर रहे थे, तो अन्य व्यक्ति से आप में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं। तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? पहला तो ये है कि उसको दुष्ट जानो, उसको साधु मत जानो। लेकिन दुष्ट जानने के बाद में भी मेरा आचरण दुष्टता पूर्व, हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे, कपट करने वाले के कपट को जानो, इसको सरलता नहीं कहते। हमको कोई ठग ले गया और ये बोले बहुत सरल आदमी है, इसको सरलता कहते हैं कि बेवकूफ कहते हैं? अरे आप पढ़े लिखे हो और आपको कोई बेवकूफ बना ले जाए और आप क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत सरल व्यक्ति, इसको सरलता नहीं कहते।
आपसे कोई कपट ना कर दूसरा कपट करे तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति क्या कर रहा है, कपट कर रहा है। लेकिन कपट करने वाले व्यक्ति के साथ मैं कपट ना करूं, अंतर समझ में आ रहा है क्या है? कपट करने वाले व्यक्ति के साथ मैं कपट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये व्यक्ति क्या है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन गंदा आचरण नहीं करेंगे। समाज में भी तो ऐसा ही व्यवहार करना पड़ता है। दुष्ट व्यक्ति की संगति हो गई, कहीं मिल गया कोई, तो हम दुष्ट तो नहीं हो जाते, लेकिन हम अपने आप को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये दुष्ट व्यक्ति है। इसलिए मैंने यह पंक्ति बोली, यथार्थ ज्ञान हाँ साधुता नहीं बनाती। साधुता बनाने वाली तो दूसरी चीज है, जो यथार्थ ज्ञान होने के बाद में भी, और सरल भाषा में कहें, मेरा व्यवहार राग और द्वेष से अलग होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप राग को भी पहचानिए और द्वेष को भी पहचानिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत पहचानिए, पहचानिए, लेकिन पहचानने के कारण वैसा ही आचरण मत कीजिए जैसा सब लोग आचरण कर रहे हैं, हो गया? इसको बोलते हैं राजसिक ज्ञान। अब एक तामसिक देख लीजिए, ये तो बहुत समीप है हम लोगों के, क्या है देखो, हाँ ये समीप मतलब ये बड़ा आपको अपने लगेगा समाज में, बहुत अच्छे लोग दिख जाएंगे इसमें। अच्छा, एक और मुझे भी चिंतन याद आता है कि जब पृथक पृथक का ज्ञान होता है तो फिर समाज में दोष क्या आ जाता है, संभावनाएं किस चीज की हैं? पहला तो एक भेद आता है, देखो जी, विशेष ज्ञान में आसक्त हो जाना, यहां से स्टार्ट हुआ पतन। एक विशेष ज्ञान में मैं क्या हो गया, क्योंकि पृथक पृथक तो कर ही लिया, अब इस ज्ञान में आसक्त हो गया और इस ज्ञान से मुझे नफरत हो गई, ठीक है? तो बोलते हैं अलगाववाद का जन्म कहां से हुआ, पृथक ज्ञान से हुआ है अलगाववाद। चाहे हम मुस्लिम को भी माने, मुस्लिम अलग है मैं अलग हूं, ये भी अलगाववाद है। अलगाववाद का जन्म किससे हुआ, पृथक ज्ञान। यही नहीं, ये मेरा है और ये तेरा है, अहमिरम, यही हुआ ना, ये मेरा है और ये तेरा है। ये ज्ञान कब हुआ, पृथकत्व से। संघर्ष कब हो गया, पृथकत्व से। कलह कब हो गई, पृथकत्व से। ये संभावनाएं, पूरा हो गया ये चीज। अगर जीवन में कोई पृथक पृथक ज्ञान को ही देखता है तो ध्यान रखना उसके जीवन में अलगाववाद जरूर आएगा। अलगाववाद क्या आएगा पता है, मैं ब्राह्मण हूं, ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इनसे क्या रहो थोड़ा, तो अलगाववाद कर दिया कि नहीं, किस नाम पे कर दिया, मैं ऐसा। फिर तो संघर्ष होगा ही, फिर कलह होगी ही होगी। ये सब स्टार्ट कहां से हुआ, राजसिक ज्ञान से है। और यही चीज जो सात्विक ज्ञान था वो क्या कर रहा था, पृथक होते हुए भी सभी में उसकी सत्ता को क्या कर रहा था वो, उसमें और इसमें कितना अंतर हो गया है। और ये तो देख लीजिए सबसे अच्छा, ये तामसिक, यत्तु कृष्णम अदेकस्मिन कार्य सक्तम हेतुकम, एकस्मिन कार्य आसक्तम, एकस्मिन कार्य आसक्तम, किसी एक ही कार्य में आसक्त हो जाना। सब छोड़ दिया, अब कोई एक पकड़ लिया
और एक में ही क्या हो गए, आसक्त हो गए। अब ये नहीं दिखाई देता कि मेरा अच्छा क्या है और मेरा बुरा क्या है, यही नहीं। जिसमें आसक्त हो गए उसको क्या मानते हैं पता है, कृष्णम, मिल गया, कृष्णवत। कृष्णवत मतलब यही संपूर्ण है, मैंने बोला ना विवाह हो गया तो बोले अब मेरा जीवन क्या हो गया, संपूर्ण। अच्छा, अब पुत्र उत्पन्न हो गया तो अब बोले मेरा जीवन क्या हो गया, पूर्ण हो गया। मतलब जो चीज मिल जाए उसी के प्रति क्या लगता है कि ये जीवन क्या हो गया। अच्छा और कर लीजिए, बोले अब धन मिल गया अब लगता है कि मेरा जीवन क्या हो गया। कल मैंने आपको इसको नाटकीय अंदाज में बोला कि जब आप ये कहने लगो कि यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरी जिंदगी है, अगर ये शब्द निकलने लगे अल्फाज कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा स्वर्ग है, तब आप समझ लेना कि आपका जो ज्ञान हो गया वो क्या हो गया है, तामसिक। क्योंकि आप एक ही चीज के प्रति क्या हो गए हैं, और उस एक चीज को क्या मानते हैं, कृष्णवत। कृष्णवत मतलब वही संपूर्ण है। संपूर्ण है मतलब पता है आपको, मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज सिर्फ यही है, इसके अलावा सब जीवन क्या है। जैसे व्यक्ति धन के लिए करता ही है, धन के लिए क्या कहता है, अगर धन है तो सब कुछ है और धन नहीं है तो जीवन में तो देखो ये यही है। बोले जीवन में यदि यश नहीं है तो कुछ नहीं है, यश है तो फिर सब कुछ है, तो समझ लो ये व्यक्ति यही है। भगवान भाष्यकार ने तो इसको और भी बड़ा अच्छा, अच्छा और देख लो आप, पहले हिंदी दिखा देते हैं। इसके पीछे भैया तुम्हारा कोई कारण है कि तुम इसको संपूर्ण मानते हो, किसी बुद्धिमान प्रश्न ने पूछा, इसी को संपूर्ण मानते हो, स्त्री को, नारी को, घर को, धन को, इसी को संपूर्ण मानते हो, इसके पीछे कोई कारण है तुम्हारे, तो क्या बोलता है, अहई तुकम। बोले इसके पीछे कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तो लॉजिक है, मेरा मन, मेरा मन, देखो अहैतुकम, कोई हेतु नहीं, कोई तर्क नहीं, लेकिन सिर्फ अपने आप को कहता है ये चीज जीवन में आ गई तो मेरा जीवन क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अच्छा वह विषय कैसा है, बोले अतत्वार्थ अल्पम। अल्पम मतलब पता है क्षुद्र विषय, क्षुद्र विषय जिससे थोड़ा सा फल मिल जाता है, जैसे धन, सबसे ज्यादा मुसीबत तो धन ही है, लोगों को तोड़ने वाली कौन है, लोगों को तोड़ने वाली चीज कौन है, धन। अच्छा और असुरक्षा का भय किसके कारण है, सुरक्षा का भय नहीं है, असुरक्षा। इतनी पैसा, इतना धन है कि अब मुझे रात भर तो मैं क्या करूंगा, कोई चोरी नहीं ले जाए, कोई डाका ना मारे, देखो फिर आ गया। जिस चीज के कारण मैं सोचता था कि मुझे आनंद मिलेगा, वही चीज मुझको क्या करती है, आपको बड़ा एक सूत्र बताऊं, ऐसा सभी संतों का मानना है, आत्मा चैतन्य के अलावा, थोड़ी खरी खरी आपको कह रहा हूं, आत्म चैतन्य के अलावा यदि आपने किसी को आनंद समझा, किसी को भी आनंद समझा, तो वो थोड़े ही देर में, थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही वर्षों में आपको दुख का साक्षात दर्शन करा देगा। जिसको भी आपने आनंद का क्या माना, सोर्स माना, ऑफ कोर्स वो धन ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति ही क्यों ना हो, सिर्फ आत्म व्यतिरिक्त, आत्म चैतन्य के अलावा जितना भी कुछ है वह सब का सब दुख के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा दिखता है कि ये सुख देगा,
आप देखना वो अंत में व्यक्ति को क्या देता है, दुखी देता है। चाहे अब क्या बोलूं, परिवार हो गए, चाहे समाज हो गए, चाहे धन हो गए, यहाँ तक तो कि आपको बोलूं यश भी व्यक्ति को बहुत दुख देता है। जो लोग यशवान हैं जरा उनसे पूछो आप, उनको इतनी जगह जाना पड़ता है तो क्या बड़े प्रसन्नता से जाते हैं वो प्रसन्नता से जाते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या कहता है, जाना पड़ता है, अब क्या करें। तो वो देखो, वो भी अपने यश से वो व्यक्ति क्या है, दुखी। धन से भी क्या है, उसको पता है कि घर में चार लोग रहते तो हैं, लेकिन चारों को प्रेम किससे है, धन से ही है, व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं है। अब बताओ, अब आपको ये असलियत भी पता होवे और वहीं पे आपको क्या करना पड़े, तो आंख के सामने सच्चाई दिखती है, आंख के सामने सच्चाई दिखती है, और व्यक्ति को घूट घूट के क्या करना, ये भी नहीं कि वो बेचारा सब छोड़ दे, धन छोड़ भी नहीं सकता, फिर अपने लिए क्या करेगा। तो वेदांत कहता है इसलिए आत्म व्यतिरिक्त किसी चीज को आनंद का जरिया मान लिया तो आज तो नहीं होंगे दुखी, हाँ थोड़े ही दिन में आपको वही चीज क्या कर देगी, दुख देगी। इसलिए किसी को आनंद का क्या बोलते हैं, पर्याय माने ही नहीं। तो बोले सुविधा का पर्याय मान लीजिए कि अन्न से पेट भरता है, धन से मेरा कंफर्ट लेवल बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही आनंद का सोर्स है। हो गया, भाष्यकार ने जरा देखो इन लोगों को क्या डांटा है। अब ये भाष्य बहुत क्या कहा जाए, थोड़ा खरी कोटी है, सुनाने में डर भी लग रहा है आपको। यह तू ज्ञानम कृष्णवत्, ऐसा ज्ञान जो यह मानता है कि समस्त वत, बोले अब ये मिल गया तो सब मिल गया, ये मिल गया तो सब मिल गया, समझ जाओ ये तामसिक है। इसका ज्ञान कैसा है, तामसिक। अच्छा यही नहीं, एकस्मिन कार्य, किसी एक चीज में वो आसक्त है। किसी ने पूछा एक चीज में आसक्त है मतलब क्या, बोले देहे, उदाहरण दे दिया देहे, देह आदि में क्या है, आसक्त है। आसक्त है मतलब 24 घंटे निगाह किस पर है, देह पर। देखो देह का ध्यान रखना चाहिए, ये बुराई नहीं है, देह को स्वस्थ रखना चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन 24 घंटे ध्यान किस पे किया जाए, देह पे दिया जाए, तो ध्यान रखना वही देह क्या करेगी। अब आपको क्या बताएं, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। कल देख रहा था मैं, वो इतना अच्छा हीरो, लंबा चौड़ा तगड़ा, और उसकी फोटो देखी आपने जब वो बीमार हो गया, क्या देह रह गई, अच्छा क्या देह रह गई, क्या अच्छा किसी चीज की कमी थी, धन की मेरे ख्याल से कमी नहीं रही होगी, वहां यश की कोई कमी नहीं, सुविधा की कोई कमी नहीं रही, और अंत में देखो आप क्या देह की स्थिति है। उसी के समकालीन लोग और भी तो हैं जो अभी भी कर रहे हैं सब, वो व्यक्ति चला गया। अब देखने में बहुत अजीब सा लगता है, सोचने वालों के लिए बहुत एकदम से लगता है, एकदम से क्या हो गया जीवन में, ऐसी चीजें जीवन में घटित हो जाती हैं जिसको आप धन से भी दूर, अब क्या करोगे। भगवान भी महाराज बहुत चतुर आदमी, गरीब की समस्या धन से दूर हो सकती तो उसको धन नहीं देता, उसको दो रोटी चाहिए उसको धन नहीं देगा, और इसको ऐसी एक समस्या दे दी जो धन से कभी दूर। देखो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि कोई है जो हम पर सतत निगाह क्या कर रहा है, सोच सोच के देता है कि क्या देना चाहिए और क्या इसको नहीं देना चाहिए। इसलिए बहुत संयम से जीवन जीना चाहिए और बड़ा निश्चिंत रहना चाहिए, जो आपके लिए अनुकूल है वो क्या करेगा, वो देगा, और जो आपके लिए प्रतिकूल है वो आपको, इसलिए जबरदस्ती मांग नहीं करनी चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, फंस जाएंगे फिर, तेरा ऐसी चीज मिल जाएगी फिर वो जा नहीं सकती जीवन से। हो गया,
अब एकस्मिन कार्य, किस कार्य में आसक्त हो गया? बोले देह। अच्छा देह नहीं, उसका बही ही। अब बही क्या बताऊं आपको, क्या लिखा है पता है? क्या लिखा है पता है? पढ़िए जरा क्या लिखा है। बोले मूर्ति, ये मूर्ति ही मेरा जीवन है। आप लो जी, भगवान क्या बोलते हैं, ये मूर्ति को लेके जो लोग ऐसा करते हैं उनका ज्ञान कैसा है। और आपको अब क्या बताऊं, संत लोगों ने तो ऐसा बोला, मानव को नहीं देख रहे हैं। कभी देखा आपने एयरपोर्ट पे ऐसा नजारा, मनुष्य को कुछ नहीं मिल रहा है और वो भगवान कृष्ण का लेकर और सबके सामने लेकर चल रहा है। अरे बैग में रख लो उसको, लेकिन उठा के चल रहा है। अब दुनिया के आकर्षण का केंद्र कौन बना है? मूर्ति। आप बने और उसमें व्यक्ति को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोग मेरी ओर क्या कर रहे हैं, लोग आते भी थोड़ा पूछ भी लेते हैं। लो जी ये अब प्रतिमा आदौ, प्रतिमा ध्यान रखना, प्रतिमा का विरोध नहीं है, लेकिन प्रतिमा को ही सब कुछ मान लेना यह विरोध है। पकड़ में आ रहा है? इसको मैं ऐसा कहता हूं, मूर्ति में ही भगवान है और दूसरा सेंटेंस बनाइए जरा, मूर्ति में भी भगवान, इसमें कौन सच है ज्यादा? और हमने क्या समझ लिया है? बस हम एक घंटा तो स्पिरिचुअल हैं, कब तक? जब तक मूर्ति के सामने हैं। और 23 घंटा नॉन स्पिरिचुअल, क्योंकि मूर्ति हमारे सामने है नहीं, माला हमारे पास है नहीं। तो बोले जब माला मिलेगी, जब मूर्ति मिलेगी, तब स्पिरिचुअल बनेंगे। तो आप तो 23 घंटे कैसे रहिए फिर नॉन स्पिरिचुअल? ना ना ना, भगवान खुद ही देखो, भाष्यकार इसका, भाष्यकार खुद ही, भाष्यकार ही हैं जो मूर्ति पूजा की बात करते हैं, लेकिन कोई मूर्ति को ही ये कहता है कि मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। और कल आप देखो कंट्रास्ट, कल आप जब भागवत सुन रहे थे तो 9 योगीश्वरों के संवाद में एक प्रश्न आया था, कर्मयोग किसको कहते हैं? तो स्टार्ट किसे किया था? मूर्ति पूजा से ही कर्मयोग प्रारंभ होता है। लेकिन यही कहा जाए कि जीवन भर मूर्ति पूजा ही की जावे, बोले फिर तो गलत है, फिर तो ये व्यक्ति क्या हो गया? आसक्त हो गया। तो देखो प्रतिमा आदौ आसक्तम, उसी में पूरा का पूरा क्या हो गया? आसक्त मतलब मूर्ति के अलावा। अब देखो आप, माता चिल्ला रही हो, पिता चिल्ला रहा हो, गुरु चिल्ला रहा हो, पुत्र चिल्ला रहा हो, किसी को मदद की जरूरत हो, और आप क्या कह रहे हो, पहले ये करूंगा। तो इसको तो कोई आध्यात्मिक पुरुष अच्छा कभी नहीं अच्छा मान सकता। पहले तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वो जीवंत जो ईश्वर बैठे हैं माता पिता, उनको तो छोड़ दिया, और अब आप किस में आसक्त हो गए? मूर्ति में। अच्छा फिर प्रतिमा आदौ सक्तम एतावान एव आत्मा ईश्वर वान, अतः इसके अलावा बोले अब कुछ नहीं है, किसके ईश्वर इसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा अब और क्या बोले? कुछ लोग, मैं नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है देखो, नग्न क्षपण अधिका नाम, ये किसके लिए बोला है? ये जैनियों के लिए बोल दिया है, ये सिर्फ नग्नता को ही सिर्फ अध्यात्म समझते हैं। मतलब हम लोग भी देखो यही बोल, ये नग्न हुआ इसका मतलब क्या है, ये कौन सा मुनि बोल देते हैं हम, ये भाष्यकार कहते हैं, ये अध्यात्म कहां है कि नग्नता को अध्यात्म कहते हैं? और देखो भाष्य में लिख दिया नग्न क्षपण आदि का नाम, जो लोग ये नग्न घूमते हैं ये कभी आध्यात्मिक नहीं है। और बोलते हैं आध्यात्मिकता की बात बताऊं, देखो क्या बोलते हैं, इनका दर्शन क्या है, चींटी में भी आत्मा रहती है, हाथी में भी आत्मा रहती है,
तो बोले चींटी में चींटी के शरीर के आकार की आत्मा रहती है और हाथी के शरीर में हाथी के बड़े आत्मा रहती है। अच्छा जोर किस पे हुआ आपका? शरीर पे। अब जोर किस पे हो गया? आत्मा पे जोर नहीं है, जोर किस पे है? शरीर पर। भाष्यकार क्या बोलते हैं? शरीरानुवर्ती। मेरे ख्याल अब इतनी संस्कृत समझ में आ जाएगी आपके। शरीरानुवर्ती देह परिमाण। देखो जी किसमें ये लोग आ सकते हैं? कौन? ये नग्न लोग। नग्न लोग कौन? ये जैनी। आसक्त तो किसमें है? देह में आ सकते हैं और उसी को ही सब कुछ मानते हैं। जीव ईश्वर वा। अच्छा हम लोगों को भी नहीं छोड़ा है। देखो भाष्यकार पाषाण। पाषाण मतलब किसकी मूर्ति बना रखी है? पत्थर। अब सब लोग आ गए इसमें, जैनी भी आ गए, हिंदू भी गए। सिर्फ बोले इस मूर्ति को 24 घंटा करो और मानव सेवा छोड़ दो। मानव सेवा मतलब देखो ये बात तो सही लगती है। एक आदमी रोटी के लिए मर रहा हो, रोटी के लिए मर रहा हो और आप माल पुए चढ़ाएं मूर्ति को, तो ये बात किसको पचेगी? ये बात किसको पचेगी? किसी को नहीं पच सकती। पाषाण को माने लेकिन एक सीमा तक, मनुष्य से उसकी तुलना मत चालू कर दे। और यही नहीं पाषाण उसके बाद दारू मात्र। दारू मतलब समझते हैं संस्कृत में? संस्कृत में दारू का अर्थ होता है लकड़ी, काष्ठ। कुछ लोगों ने पाषाण की मूर्ति बना रखी है और कुछ लोगों ने लकड़ी की मूर्ति बना रखी है और क्या बोलते हैं? एकस्मिन, यही सब कुछ है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। भाष्यकार बोलते हैं अहैतुकम। इनके पीछे, इनकी इस मान्यता के पीछे कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? अहैतुकम। अतत्वार्थवत यथाभूत अर्थ तत्, इसके पीछे कोई भी तत्व नहीं है। देखो जी कोई भी ज्ञान का अंश नहीं है इसके पीछे, ज्ञान का अंश कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं भाष्यकार, ऐसे जो लोग हैं अल्पम च अल्प विषय अल्प फलत्वात् ता तामसम उदारतम। ऐसे लोगों को बोलते हैं तामसिक। तो कितने ज्ञान हो गए? कितने ज्ञान हो गए? सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक ज्ञान का लक्षण क्या हो गया? अविभक्तम भूत विभक्तेषु, नाना चीजों में एकत्व का ज्ञान, ये हो गया सात्विक। मतलब पृथकत्व में एकत्व का ज्ञान। राजसिक क्या हो गया? पृथकत्व में पृथकत्व का ज्ञान, ये कैसा हो गया? राजसिक। तामसिक क्या हो गया? बोले इसको तो ज्ञान कहना भी मुश्किल है, इसको ये कह सकते हैं कि ये किसी एक चीज में ऐसा आसक्त हो गया कि अब इसको लगता है कि मेरी पूरी पूरा जीवन क्या है? यही। अब क्या है? नारी भी है, पुरुष भी है, मूर्ति भी है, जिसको चाहे उसको ये कह देता है और इसके पीछे कोई तर्क हो गया। अब क्या बोलते हैं? अथ कर्मणा। अब बोले कर्म की बात कहते हैं। कितने प्रकार का कर्म? तीन। पहले सात्विक का क्या बोलते हैं? नियतम, नियतम, संग रहितम, अराग द्वेषतः कृतम। देखो पहले यहां से खोलिएगा कृतम। जिसको किया जावे उसको कर्म कहते हैं। कृतम, कृतम मतलब जो किया जाए उसको कर्म कहते हैं, बन गया कृतम। कृतम मतलब जो किया जाए उसको कर्म कहते हैं। अब बोले कैसा किया जाता है? बोले जैसी विधि से कर्म किया जाता है वैसे ही सात्विक कहलाता है, राजसिक कहलाता है और तामसिक। अब एक ही आप देख लो इसका हिंदी वर्स, नियतम कर्म रहितम।
कर्म में पहली विशेषता नियतत्व की होनी चाहिए। अब आपसे प्रश्न है, नियत कर्म मतलब क्या? और थोड़ा अच्छा, अब ये आप लोगों ने तीसरा अध्याय पढ़ा ना, ये जो और लोगों ने हो ना, कर्तव्य कर्म नहीं, अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार किया गया कर्तव्य नियत कर्म कहलाता है। कर्तव्य मत बोल देना, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। ना 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 ना, ना आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं इस पे। अपनी विशिष्ट पहचान क्या, जो कर्तव्य आपका है वह कर्तव्य मेरा बन गया, लेकिन मैं कहूंगा तो वो अकर्तव्य कहलाएगा और आप करोगे तो वो क्या कहलाएगा? तो इसका इसका बंटवारा क्या होगा फिर? इसका बंटवारा कौन करेगा फिर इस कर्तव्य का? ना 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 ना, ना, ना। आपकी विशिष्ट पहचान, इसने ही परिभाषा दी, आपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार किया गया कर्तव्य ही नियत कर्म कहलाता है। आप बोले विशिष्ट पहचान मतलब क्या? विशिष्ट पहचान यह है कि मेरी इस समय क्या भूमिका है, मेरी इस समय, जैसे इस समय मेरी विशिष्ट पहचान क्या है कि मैं गुरु आचार्य के रूप में हूं, तो मेरा कर्तव्य भी क्या हो गया? गुरु आचार्यवत कार्य करना। लेकिन जैसे ही मैं युवकों के साथ चला गया तो देखो, अब आप गुरु और आचार्य पद से थोड़ा क्या आ गए? नीचे आ गए। ये कुछ आप अन्य कार्य करने लगे तो आप इस पद से क्या हो गए? तो आप ही के एक घंटे बाद जो कर्तव्य कर्म थे वो क्या हो गए? बदल गए कि नहीं बदल गए? अभी आप शासक हैं, हो सकता अब मैं किसी का शिष्य बन के बैठूं, तो शिष्य बन के बैठूं तो मेरे जो गुरु के कर्तव्य थे अब वो मेरे लिए क्या हो गए? अकर्तव्य हो गए कि नहीं हो गए? 10 मिनट में ही अकर्तव्य हो गए। इसलिए एक बात को ध्यान रखिए, अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार किए गए कर्तव्य। अब विशिष्ट पहचान क्या होगी? किस जाति से आए, किस वर्ण से आए, क्या बन के बैठे हैं? इसमें 5 प्रकार के कर्म विशिष्ट पहचान, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, निषिद्ध। ये 5ों कर्म अपने अनुसार, किसके अनुसार? पहचान के अनुसार। देखो आप, सन्यासी के लिए भी, आपको एक पर्टिकुलर उदाहरण देता हूं, सन्यासी के लिए भी प्रायश्चित है और गृहस्थ के लिए भी प्रायश्चित है, लेकिन दोनों के प्रायश्चित अलग अलग हैं। पकड़ना जरा, सन्यासी के लिए भी प्रायश्चित है और गृहस्थ के लिए भी प्रायश्चित है। अब गृहस्थ के लिए कहा गया कि आप तो धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तो हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, और बोलते हैं जप के बाद जो उसका दशांश रह जाता है उसको क्या कीजिए? हवन कीजिए। ये परिपाटी है। जैसे 1 लाख का जप किया तो 1 लाख के जप में 10,000 की क्या करनी पड़ेगी? आहुति डालनी पड़ेगी। ये किसके लिए है? अच्छा, अब सन्यासी ने भी कुछ मान लो प्रायश्चित करना है तो उसके पास तो हवन और घी और लकड़ी और ये सब कुछ नहीं है, तो वो कैसे करे? वो क्या करे फिर? तो वह जो 10,000 है वह 10,000 और जप करे। जप तो तुम कर सकते हो, तो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए?
क्योंकि आपकी विशिष्ट पहचान अलग अलग थी नहीं, सबकी विशिष्ट पहचान अलग अलग है। जिसकी जो विशिष्ट पहचान है उनके अनुसार ही नित्य नैमित्तिक कर्मकांड, ध्यान रखना सबके नित्य नैमित्तिक भी बदल गए, इतना आसान मत समझना ये कर्म का जंजाल। नित्य नैमित्तिक भी सबके बदल जाते हैं, कब बदलते हैं, जब आपकी विशिष्ट पहचान बदल गई। इस पद पर है हो सकता ना हो, जैसे ही उस पद से हटे वैसे दूसरा कर्म ने आपको घेर लिया के। तो अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार किया गया कर्तव्य ही क्या कहलाता है, कौन सा कर्म का नियतम। अब इस पर आगे चर्चा करेंगे। नियतम संग रहितम, संग से रहित हो गए। अच्छा फिर अराग द्वेषतः कृतम, न कर्म में राग हुए न कर्म अफल पेप सुना कर्म फल से बुद्धि, ऐसा जब कोई कर्म करेगा तो वह कर्म क्या कहलाएगा, सात्विक, तब कहलाएगा सात्विक। अच्छा कर्म करने को सात्विक नहीं कहते, अच्छे कर्म करने को सात्विक नहीं कहते। ये चीजें मन में होनी चाहिए, क्या चीजें, नियतम संग रहितम अरागत द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना बुद्धि, तब जाके वो क्या बनेगा, सात्विक।